नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो आज को मैं देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मेरा बेसिकली टोटली नवम्बर मंथ में बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस रहा हम लोग का सॉफ्टवेयर का, उसके ऊपर बेस करके पूरा मंथ का एक परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बता देते हैं, सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर का काम होता है मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करना, और ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके ये ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल प्लॉट करता है। अब मार्केट में कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं हर एक कॉल अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन ही इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग एक मैटर होता है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली मेटाट्रेडर 4 के ऊपर बेस करके मेरा परफॉर्मेंस का वीडियो है। तो ये जो मेटाट्रेडर 4 है, ये बेसिकली स्कैल्पिंग टेक्निक के ऊपर बेस करके काम करता है, और उसका साथ साथ हम लोग मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल का थ्योरी डाल के रखे। तो देखा जाएगा तो देखिए नवंबर मंथ यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, 1 नवंबर यहाँ पर जा रहा है। ये फर्स्ट आपका यहाँ पर आपको एक सेल का रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज आवर सेल का कॉल। जब भी कोई कॉल बनता है ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। आपको जस्ट यहाँ पर कंडीशन को देखना पड़ता है। देखिए मिडिल में आपको एक रेड कलर का लाइन दिखाई देगा, जिसका ट्रेंड लाइन जिसे कहता है। तो सेल का कॉल में इस लाइन का कलर को रेड होना है, और मिडिल में कुछ रेड टाइप का कैंडल आपको दिखाई देगा। तो अगर इन दोनों चीज़ मैच हो रहा है तभी जाके हम लोग एक सेल का कॉल को सही कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखे गया था बैंक निफ्टी ने, उसका बाद आपका बाय का कॉल बना 6 तारीख को आके। तो यहाँ से देखिए ये भी एक अच्छा कॉल था, यहाँ पर मोमेंटम दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिडिल का लाइन को थोड़ा फॉलो कीजिए, देखिए यहाँ पर एक ग्रीन से रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पर आप अपना पोजीशन को थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं। फिर आपका पोजीशन अगर यहाँ पर दिखाई देगा आपका ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन हो रहा है, तो यहाँ से आप फिर से इसका पोजीशन को छोड़ सकते हैं, मतलब री एंट्री मार सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सेल का कॉल दिया है, मैं पूरा वन बाई वन दिखाते रहता हूँ। ये सेल का कॉल आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे पाया। तो बेसिकली लॉजिक क्या होता है, जिस कैंडल में कॉल बनता है, जैसे जिस कैंडल में कॉल बन रहा है हम लोग ट्रेड करेंगे उसका नेक्स्ट कैंडल से, और उस कैंडल का लो को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली देखा जाए ये जो सेल का कॉल है दैट इज़ अ फॉल्स कॉल, क्योंकि इस ये जो कॉल बना है जिस कैंडल में सेल का कॉल बना है उसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है आपको इस सेल का कॉल में ट्रेड नहीं करना वाला। उसके बाद देखिए फिर एक बाय का कॉल बना था, उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। फिर एक सेल का कॉल दिया, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिया है, यहाँ पर फिर से एक बाय का कॉल दिया है। तो ये बाय का कॉल में आपको एंट्री लेना है यहाँ से, जहाँ से लाइन इसका ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका बाद ही देखिए यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखे गया। फिर देखिए यहाँ पर एक सेल का कॉल दिया था, उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया, 18 तारीख का एक कॉल था। उसके बाद फिर आपका 19 तारीख को बाय का कॉल दिया, तो एक अच्छा मोमेंटम देखे गया बैंक निफ्टी। उसके बाद देखिए अगर आप देखा जाए तो 20 नवंबर को फिर से एक सेल का कॉल बना, जो पूरा 21 तारीख 22 तारीख तक एक कंटिन्यूसली गिरता गया। देखिए यहाँ तक कोई दूसरा कॉल नहीं दिया था, यही कॉल एक ही कॉल को एक कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद देखिए अल्टीमेट ये 25 तारीख को आपका एक बाइंग का कॉल दिया है, और अल्टीमेट ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया है, और यहाँ पर जाके आपका पोजीशन ख़त्म हुआ है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है मिडिल का, इसको बेसिकली थोड़ा फॉलो कीजिए जहाँ पर ये लाइन चेंज हो रहा है रेड में। तो ये तो जस्ट मैं वीडियो बनाया आज का, ये जो वीडियो है ये बेसिकली टोटली नवंबर मंथ में हम लोग का बैंक निफ्टी में कितना सारा कॉल बना आपको दिखाई दिया, उसमें से कुछ कॉल ऑब्वियसली नहीं चला है। बेसिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जो सारा महीना में जितना कॉल बनेगा वो सारा सक्सेसफुल हो, मगर जहाँ पर एक प्रॉफिट दिया है, ह्यूज प्रॉफिट देके गया है, और दो बेसिकली दो कॉल हम लोग का बेसिकली चला नहीं, तो उसमें भी आपको एक मिनिमम लॉस में निकलना पड़ा। तो ओवरऑल देखा जाएगा अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आराम से आप ये मंथ एंड में एक अच्छा पॉइंट यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये इंडिकेटर का कंसेप्ट अच्छा लगा। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और आपको ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड का पोजिशन वाला इंडिकेटर चाहिए तो आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है बेसिकली ये बैंक निफ्टी के ऊपर है, मगर इसका मतलब ये नहीं जो ये ओनली बैंक निफ्टी में ही काम करता है, ये इक्विटी फ्यूचर कमोडिटीज हर एक सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। अगर आपको इस इंडिकेटर रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए और भी कुछ आपका मन में डाउट आ रहा है, आप
मेरा ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा देखिए नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप नंबर अगर बिजी रहा तो व्हाट्सअप में मैसेज डाल सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा इस मार्केट रिलेटिंग अगर बहुत सारा वीडियोज़ आपको देखना है तो जस्ट यूट्यूब में सर्च कीजिए राहुल सरकर शेयर मार्केट बोल के, आपको मेरा पूरा चैनल ही दिखाई देगा। वहाँ पर जाइए, बहुत सारा वीडियोज़ दिखाई देगा। आप 4-5 वीडियोज़ को देखिए, मेरे ख्याल से आपका मन में जो भी डाउट आ रहा है, क्वेरीज आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपका जितना भी डाउट आएगा मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर अभी भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, ऑब्वियसली सर लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस रिगार्डिंग और भी वीडियो आपको आप देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नेक्स्ट इस तरीके का बहुत सारा वीडियो मेरा कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको लग रहा है जो ये इंडिकेटर में आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है या आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं तो आप इस नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।